दिल्ली का ये नज़ारा है और बेहद खूबसूरत। इधर लोग दूर देशों से आते हैं, इधर आप देख सकते हैं यहाँ भाभी का आगमन हो चुका है। प्यारी प्यारी भौजी, भौजी जानते हैं आप किसको कहते हैं? भाभी को। कहाँ जा रही हैं आप? राजघाट में। बगल में तिरंगा झंडा आपको नहीं दिखता है क्या? हाँ अच्छा लग रहा है ना। अच्छा अरे इधर देखिए पानी है भाभी। एक बार राजघाट आप जरूर आइए और यहाँ घूमिए। भैया हैं चल के आ गए। भैया कैसा लग रहा है यहाँ? एकदम ऑसम। मजा आ रहा है? ऑसम ऑसम। भाभी भैया से बात करिए। भाई नहीं है भाई, जो मैं भाई दिक्कत नहीं। देखिए भैया डर रहे हैं। मैं डरने वाली बात है भैया क्या? भाई को आप दूसरों की बात बता हैं। हाँ विराजमान है यहाँ, पहुँच चुके हैं। ईद का त्यौहार मनाने आया हूँ। ईद का त्यौहार जी के बापू के चरणों में जी। गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और क्या कहेंगे बारे में? भैया ये थे हैं तो आज हम आज़ाद हैं। आज़ादी में इनका सबसे बड़ा योगदान है और इन्हीं की वजह से आज हम इस। गांधी जी की एक बात है भाईचारा, इसको लेके आप क्या कहेंगे? गांधी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, भाईचारे के बारे में जितना कहा उतना कम है। हमारे गांधी जी हैं जो आज हम लोग यहाँ पर खुली आसमान में सांस ले रहे हैं बढ़िया से। सत्य अहिंसा के पुजारी भी थे जी। जी बिल्कुल। गांधी जी बोला जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलते थे। आप तो झूठ नहीं ना बोल रहे हैं जी जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। भैया गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये हमने भी पढ़ा है, आप भी बता रहे हैं। जब तो इतनी बड़ी समाधि इनकी सरकार ने बना रखी है, सच्चे लोगों की बनती है चीजें, झूठे लोगों की थोड़ी ना बनती है। गांधी जी की तस्वीर नोटों पे छपी हुई है, कैसा लगता है? बेहतरीन लगता है। हमारे बापू की तस्वीर छपी हुई है, राष्ट्रपिता हमारे जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भैया। भैया जी ने भगवान जी ने इनके पैर को छीन, तरह प्रॉब्लम है और सही है, सही है, सही है। चलिए आप कभी निराश मत होइएगा अपने जिंदगी में। तुम कर दोगे मोटिवेट करके निराश, मैं तो घूम ही रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच। और इधर आप देख सकते हैं लोग तस्वीर अपने कैमरे में ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। चलिए इधर लोग हैं घूमने के लिए निकले हुए हैं और चलिए मैं इस राह से चलूँगा। वाह 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 वाह, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इधर चलता हूँ। सभी लोग अपने मोबाइल में इस वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि यह कैप्चर करने की जगह है ही। ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यह दृश्य। एक बार दिल्ली आए तो राजघाट जरूर घूमें। इधर इधर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आपको बता दें कि यहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती है, जो चिता है लोगों का ऐसा कहना है। हाँ। इधर देखिए भाभी भी आई हैं और इनके हस्बैंड जी हैं। भैया जी हैं, भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग। मतलब क्या अच्छा ये देख रहे हैं आप यहाँ? और भी दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शन तो यही करना चाह रहा था, मुस्कान एंटरटेनमेंट को बढ़ा दो। मुस्कान एंटरटेनमेंट को बढ़ाएं। भाभी थोड़ा हंसिए, दर्शक लोग आपको देख रहे हैं। उधर देखिए एक दीदी देख रही है, दीदी दीदी गोद में बच्चा लिए। क्या लग रहा है यहाँ पे, अच्छा क्या लग रहा है आपको? खूबसूरत लग रहा है ना, इसके बारे में अच्छा लग रहा है। मैंने बोला हाँ, क्या खूबसूरत लग रहा है? साफ सफाई है, फूल पौधा है, इसके बारे में खूबसूरत लग रहा है। साफ सफाई तो आप लोग घर को भी रखती हैं? हाँ। ऐसा सफाई रखती हैं आप लोग घर पे? नहीं। देखिए शर्मा आ रही है। कितना भी रख देते हैं फिर भी लग ही जाता है, यहाँ पे नहीं लगता। बीच में चीता जल रहा है। गांधी जी का।
कटाई का काम चालू है। लोग यहाँ कटाई, पत्तों की कटाई कर रहे हैं। देख सकते हैं लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और भैया लोग यहाँ आए हुए हैं।